तो सबसे पहले क्या करना है हमें, ये वायर को बीचों बीच में ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद आपको ये सेंटर मिल जाएगा। सेंटर मिलने के बाद आपको एक होल्डर लेना है, होल्डर की कैप ओपन करना है। तो इसमें जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक है उसको हम पहले निकाल लेंगे। निकाल लेने के बाद ये सेंटर है वायर का, ये सेंटर इसमें ऐसा डाल देना है, ठीक है। इतना काम हो गया। सेंटर निकालने के बाद अभी हमें इसके दोनों छुरों में से इंसुलेशन निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं एक साइड का इंसुलेशन निकाल लिया, अब दूसरा साइड का भी इंसुलेशन निकाल रहा हूँ। उसी प्रकार दूसरे साइड का इंसुलेशन भी निकालना है। अभी ये साइड का इंसुलेशन और इधर का भी इंसुलेशन निकल गया। तो नेक्स्ट प्रोसेस है कि देखो यहाँ पर अभी जो रेड वाली वायर आई है और ब्लैक वाली वायर है, तो उसमें से रेड वाली वायर को हमें बीचों बीच में काटनी है। बीचों बीच में काटने के बाद ये रेड वाली वायर को हमें इंसुलेशन निकाल लेना है, इधर का भी और इधर का भी। इसके बाद ये जो पेंडेंट होल्डर है, तो पेंडेंट होल्डर के स्क्रू निकाल लेंगे। पेंडेंट होल्डर के स्क्रू निकालने के बाद अभी ये दो वायर वायर ठीक है, ये दोनों वायर इसमें टाइट कर देंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने सिर्फ इसकी रेड वाली वायर है वो काटी है और इसमें इसके अंदर टाइट कर दिए, और ब्लैक वायर को थोड़ा भी इधर उधर टच नहीं करना है। ब्लैक वायर एज इट इज रखनी है एंड इसके ऊपर अभी ये कैप लगा देनी है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप देख सकते हैं हमारा चार तार वाला टेस्ट लैम्प बन के रेडी है। तो आप यहाँ पर अभी कांच वाला बल्ब लगाना है, 100 वैट वाला, ठीक है। आप कौन सी भी साइड से इसको चेक कर सकते हैं, मतलब पावर दे सकते हैं। आपने ये साइड से भी पावर दी तो भी चलेगा, ये साइड से पावर दी तो भी चलेगा। तो अभी आपको भी दिखाता हूँ मैं। पहले आपको एक बोर्ड लेना है, अभी मैं एक साइड से इसको ले रहा हूँ और इसको बोर्ड के अंदर डाल रहा हूँ। ठीक है, बोर्ड के अंदर डालने के बाद अभी इसको मैं टच करता हूँ, तो देखो हमारा सीरीज टेस्ट लैम्प तैयार हो गया। ठीक है, ये इतना सिंपल है। अभी समझो मैं ये साइड से उसको पावर देता हूँ ना, तो भी वही सेम काम करेगा। तो अभी मैं दूसरे साइड से पावर देता हूँ ये साइड से, तो आप यहाँ पे देखिए देखा, मतलब इसमें क्या है, एक वायर है, एक वायर सीधा इसमें गई, यहाँ से होके इधर आई, इसलिए इसको चार वायर वाला टेस्ट लैम्प बोलते हैं। आप इससे किसी भी तरह का उपकरण चेक कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी साइंस ट्रिक नहीं है, सिंपल कनेक्शन है। आप ये वीडियो देख के घर पे आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। आपको चाहिए तो आप किसी एक सिरे में 2 पिन टॉप लगा सकते हैं। तो आपको मैं 2 पिन टॉप लगा के दिखाता हूँ। तो 2 पिन टॉप को पहले खोल लेना है,
के, टू पिन टॉप के इसमें एक वायर को डाल देना है। ये टाइट कर देंगे, एक होने के बाद भी दूसरा वाला भी इसमें डाल देंगे। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टू पिन टॉप भी लगा दिया है हमने, टू पिन टॉप लगाने के बाद सीधा आप इसके ऊपर कैप भी लगा सकते हैं। टू पिन कैप लगाना ही ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप बिना टू पिन कैप के भी काम चला सकते हैं, ठीक है। अभी हमने टू पिन कैप लगा दी, अभी देखिए ये वाला एक सिरा हो गया, ये वाला सिरा हो गया, ये दो वायर, ये दो वायर, ठीक है। चार पिन वाला हमारा टेस्ट लैम्प, ठीक है, इसके अंदर गया। अभी देखो आप इस टेस्ट लैम्प की मदद से किसी भी तरह का उपकरण, मतलब फैन हो, मोटर हो, हीटर हो, गीज़र हो, वॉशिंग मशीन हो, थ्री फेज मोटर हो, किसी भी तरह का घरेलू या इंडस्ट्रियल सभी तरह के सामान इससे आप चेक कर सकते हो। इतना सिंपल ये चार तार वाला सीरीज टेस्ट लैम्प हमने बनाया है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।